झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है रांची से, किसानों की पीड़ा, नहीं हो रहा है पंजीकरण, किसान कैसे बेचे पैक्स में धान। किसान के पास धान है, उन्हें तुरंत धान बेचने की जरूरत है। धान बेचकर किसानों को कई तरह के जरूरत काम करना पड़ता है, दूसरे फसल लगाने की भी तैयारी करनी है, लेकिन वे अपना धान सरकार द्वारा निर्धारित दर पर बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन किसानों के पास सरकार को धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है। सरकार द्वारा निर्धारित दर पर धान की बिक्री करने के पंजीकरण कराने को लेकर क्षेत्र के किसान मांडू अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने को विवश है। सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके से 20 से 25 किलोमीटर दूर तय कर प्रतिदिन अंचल कार्यालय आते हैं और थक हार कर वापस चले जाते हैं। इस साल मांडू प्रखंड में एक भी किसानों ने धान बिक्री के लिए पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, जबकि बीते वर्ष 402 किसानों ने धान बिक्री के लिए अपना पंजीकरण कराया था। यह खबर है धनबाद से, बिना सोनोलॉजिस्ट वाले 10 डायग्नोसिस्ट केंद्र को डीसी ने दिया तत्काल बंद करने का दिशा निर्देश। उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने बिना सोनोलॉजिस्ट वाले 10 डायग्नोसिस्ट केंद्र को नोटिस देकर बंद करने का सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास को दिया है। उपायुक्त बुधवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक कर रहे थे। बैठक में उपस्थित सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास तथा PCPNDT समिति के सदस्य रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर परनेव पूर्वे से उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न डायग्नोसिस्ट सेंटर के बारे में जानकारी प्राप्त की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की गई। यह खबर है धनबाद से, उपायुक्त उमा शंकर सिंह के अध्यक्षता में बुधवार समाहरणालय के सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को आंगनबाड़ी स्तर पर अगले 6 माह की कार्य योजना बनाने और गतिविधियों को तय करने का दिशा निर्देश दिया। साथ ही बच्चियों को बीच लगातार जागरूकता अभियान चलाने तथा उन्हें प्रशिक्षण देने, प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक 10 दिन के अंदर करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को पंचायत एवं वार्ड की समीक्षा कर 100% बच्चियों का नामांकन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। साथ ही कस्तूरबा सरकारी विद्यालयों में 10वीं एवं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चियों के बीच साइबर क्राइम उत्पीड़न के लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। बढ़ती महंगाई पर झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले मूल्य वृद्धि रोकना केंद्र सरकार की है जिम्मेदारी। झारखंड सरकार के वित्त व खाद्य आपूर्ति मंत्री सह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव बढ़ती महंगाई को लेकर खासे चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि मूल्य वृद्धि रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। कोरोना संकट में महंगाई बढ़ रही है, जबकि आमदनी नहीं के बराबर है, धंधा व्यापार ठप पड़े हुए हैं, ऐसे में मूल्य वृद्धि का एक चिंता का विषय है। झारखंड में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच करेगी ACB, जाने किस तारीख को सभी उपायुक्तों से मांगी है रिपोर्ट। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई अनियमितता की जांच ACB करेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में हुई गड़बड़ी की प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दिया गया है। इस बाबत सभी उपायुक्तों से 31 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी गई है। घने कोहरे में भी ट्रेनों की रफ्तार नहीं होगी कम, फॉग से निपटने के लिए ये है रेलवे की तैयारी। रांची रेल डिवीजन के चलने वाले सभी ट्रेनों में फॉग सैप डिवाइस लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे घने कोहरे में भी ट्रेनों की रफ्तार कम नहीं होगी। ट्रेन के पायलट को आधा किलोमीटर पहले ही पता चल जाएगा कि सिग्नल आने वाला है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में रांची रेल डिवीजन से परिचालन होने वाले 8 एक्सप्रेस ट्रेन व 20 मालगाड़ी में इस डिवाइस को लगाया गया है। बच्चों को मिले स्कूल किट की होगी जांच। शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए जिलों को दिए गए थे 66
करोड़ 12 लाख रुपए। स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दिए गए विद्यालय किट की जांच होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से इस संबंध में जिला शिक्षक अधीक्षक को पत्र भेजा गया है। इस मद में जिलों को 66 करोड़ 12 लाख रुपए दिए गए थे। विद्यालय किट में बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल, कटर व इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देने का प्रावधान है। स्कूल कॉलेज को आदेश का है इंतजार। स्कूल कॉलेज खोलने पर सहमति तो बनी, लेकिन अभी तक स्कूल कॉलेज को नहीं मिला है आदेश। झारखंड में 9 महीने के बाद स्कूल और कॉलेज खोलने की सहमति तो बन गई है, लेकिन अभी तक इसे खोलने के संबंध में आदेश जारी नहीं किया गया है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक सभी सरकारी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अब जाने मौसम का हाल। आज से आपको सता सकती है ठंड। 3 डिग्री गिरेगा पारा। राजधानी रांची में बुधवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। सुबह को शहरी क्षेत्र में हल्की धुंध भी रही। सुबह से धूप नहीं निकली है। मौसम विज्ञान केंद्र के अभिषेक आनंद ने बताया, बुधवार को पूरे दिन छाए हुए रहे थे। उन्होंने बताया कि बारिश की भी आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक गुरुवार को आसमान साफ होते ही रांची के न्यूनतम तापमान में अचानक गिरावट आएगी। गुरुवार को 3 डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावना है। मंगलवार को शहर का न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुवार को शहर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। सऊदी सेना द्वारा भारत के सेनापति को मिला ये सम्मान। दे रहा किसी को बहुत तेज दर्द, जानिए कौन करा रहा है पीड़ा से। पिछले कुछ समय से सऊदी अरब और यूएई से भारत के रिश्ते काफी अच्छे चल रहे हैं, जिसका ही परिणाम है कि पाकिस्तान के इन इस्लामिक देशों के सामने स्थिति खराब होती जा रही है। हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया हुआ कर्ज वापस मांगा है। यह भी भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। साथ ही भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद रनवे को सऊदी अरब और यूएई में जिस तरह से स्वागत हुआ, उससे भी पाकिस्तान की खलबली मची हुई है। केजरीवाल ने भेजा है एक एक केला देने पर आप नेता को प्रदर्शनकारियों ने धक्का देकर बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कृषि कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी को एक आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता को धिक्कारते और वहां से बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है। दरअसल आप कार्यकर्ता ने प्रति व्यक्ति एक केला लेकर कहा रहा था कि ये केजरीवाल सरकार ने दिया है, जिसके बाद भड़के प्रदर्शनकारी ने उसे बाहर निकाल दिया। बीजेपी नेता प्रीति गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ता गौरव पांधी ने इसका वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। जब अपने ही बुने जाल में फंसा पाकिस्तान, आतंकवादियों ने पेशावर के स्कूल में खेला कुनी खेल। 150 मासूम बच्चों की हो गई थी मौत। पाकिस्तान के पेशावर में 16 दिसंबर 2014 की तारीख याद आते ही आज भी कई आंखें नम हो जाती है। पाकिस्तान के इतिहास में यह तारीख मासूम स्कूली बच्चों पर हुए आतंकी हमले की दुखद घटना के साथ दर्ज है। पेशावर के एक स्कूल में आतंकवादियों ने घटना को अंजाम देते हुए 150 मासूम बच्चों की मौत की घाट उतार दिया था। तालिबान की पाकिस्तान इकाई तहरीक ए तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। केरल स्थानीय निकाय चुनाव में रुझानों में एनडीए आगे, एलडीएफ और यूडीएफ में कांटे की लड़ाई। केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में वोटों की गिनती जारी थी। चुनाव आयोग के मुताबिक इस वक्त कुल 244 मतदान केंद्रों पर मतदान की जा रही थी। केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में राज्य में सत्तारूढ़ सीपीएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ गठबंधन, बीजेपी गठबंधन वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच कांटे की टक्कर है। इस चुनाव को 2021 में होने वाले केरल विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बॉर्डर पर जारी रहेगा किसानों का प्रदर्शन या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अहम सुनवाई कल हुई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार 21वें दिन जारी है और किसान कानूनों की वापसी के लिए दिल्ली की तमाम सीमाओं पर जमे हुए हैं। इस बीच किसानों के आंदोलन की वजह से हो रही परेशानी के खिलाफ दायर याचिका पर कल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई हुई थी। व्हाइट हाउस ने बताया डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे कर्मियों और सबसे ज्यादा जोखिम वाले लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करना है, व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी है। भारतीय अमेरिकी राजाचारी सहित 3 अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स क्रू अभियान के लिए चयनित। अमेरिकी वायुसेना के भारतीय अमेरिकी कर्नल राजाचारी को नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजे जाने वाले स्पेस एक्स क्रू 3 अभियान का कमांडर चुना गया है। चारी के परिवार का ताल्लुक हैदराबाद से रहा है। भारतीय सैनिकों ने 4 पाक सैनिक मार गिराए, कई चौकियां और बंकर किया तबाह। सीज फायर का उल्लंघन का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तानी खेमे में खलबली मचा दी है, क्योंकि बोफोर्स तोपखानों के गोलों और एंटी टैंक मिसाइलों के हमले में पाक सेना के 4 सैनिक मारे गए हैं, 2 चौकियां और 5 बंकर नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत 5 साल में 1 अरब मोबाइल फोन 5 करोड़ लैपटॉप का उत्पादन करेगा। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगले 5 साल में भारत का 100 करोड़ मोबाइल फोन 5 करोड़ टेलीविजन सेट और 5 करोड़ आईटी उपकरण मसलन लैपटॉप और टैबलेट का उत्पादन करने का लक्ष्य है। प्रसाद ने कहा कि देश में फिलहाल 4G काम कर रहा है और 5G का परीक्षण जल्द ही शुरू होने जा रहा है। एक खास खबर, ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा का बंगाल विजय का स्पेशल भोपाली प्लान। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा मध्य प्रदेश के प्रवासी बंगाल समुदाय के लोगों की मदद लेने जा रही है। विश्व हिंदू परिषद का बड़ा ऐलान, अब राम मंदिर में पूरा देश करेगा सहयोग, शुरू हो रही है मुहिम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और काम तेजी से चल रहा है। राम मंदिर के निर्माण में धन के कारण रुकावट ना आए, इसके लिए राम भक्तों का सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद अभियान चलाएगी, जिसकी शुरुआत मकर संक्रांति यानी 15 जनवरी से होगी और माघ पूर्णिमा तक जारी रहेगी। इस बात की घोषणा विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। अफगानिस्तान धमाके में उड़े गवर्नर, मौत के तांडव से दहल उठा देश, सचिव के भी उड़े चिथड़े। एक बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है, जहां एक डिप्टी गवर्नर की एक बम ब्लास्ट से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि डिप्टी गवर्नर महबूब अल्लाह मौवी की कार पर बम से हमला किया गया, जिसमें उनकी जान चली गई। इस हमले में उनके सेक्रेटरी की भी मौत हो गई। यह हमला मंगलवार को उस वक्त हुआ जब वह अपनी कार से ऑफिस जा रहे थे। इस बारे में सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई। 16 दिसंबर यानी कल विजय दिवस था। विजय दिवस पर पीएम मोदी प्रज्वलित किए स्वर्णिम विजय का मशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2071 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा होने के अवसर पर बुधवार को राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक की अमर ज्योति से स्वर्णिम विजय मशाल का प्रज्वलित किए। आंदोलन को बदनाम और तोड़ने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। 20 दिसंबर को मनाएंगे किसान शहीदी दिवस। किसान आंदोलन का मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, लेकिन केंद्र सरकार अब इसे मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर खेल रही है। चारों तरफ से आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। केंद्र सरकार को लग रहा है कि किसान अब वापस लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। किसान कल भी केंद्र सरकार के कांटे की टक्कर दे रही है। खबर खेल जगत से, दोहा करेगा 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी। 2034 की जिम्मेदारी रियाद को मिली। एशियाई खेलों को लेकर बुधवार को शाम बड़ी खबर आई। 2030 में होने वाली एशियाई खेलों की मेजबानी दोहा करेगा, तो सऊदी अरब के रियाद में 2034 के एशियाई खेल होंगे। पिछले एशियाई खेल 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए थे, जो हांगझोऊ में 2022 में अगला एशिया होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।